बीएड सेकंड सेमेस्टर कंपलसरी पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट मानव विकास की अवस्था में विकास की अवस्था का पार्ट थर्ड मींस किशोरावस्था। शैक्षिक दृष्टि से मानव विकास की तीसरी सीढ़ी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सीढ़ी किशोरावस्था है। किशोरावस्था का महत्व कई दृष्टियों से दिखाई पड़ता है। प्रथम, यह युवा अवस्था की ड्योढ़ी है जिसके पास जीवन का सारा भविष्य पाया जाता है। द्वितीय, विकास की चरमावस्था इसे माना जाता है, इसीलिए इसे आंधी व तूफान की बेगावस्था कहा जाता है। तीसरा, शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से भी यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। माध्यमिक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में इसी अवस्था वाले बालक पढ़ते हैं और बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। चौथा, संवेगात्मक और यौनिक दृष्टि से भी यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षित वर्ग देश प्रेम, जाति प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम और विश्व प्रेम के लिए इधर उधर कार्य इस अवस्था के बच्चे करते हैं। पांचवा है, किशोरावस्था में सही निर्माण होता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। क्रो एवं क्रो नामक मनोवैज्ञानिक लिखा है कि किशोर वर्तमान युग की ऊर्जा और भविष्य की आशा उपस्थित करता है। इन इंग्लिश वर्जन, एडोलेसेंस प्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर अकॉर्डिंग क्रो एंड क्रो। इससे स्पष्ट है कि किशोरावस्था विकास और शिक्षा के विचार से बहुत महत्वपूर्ण है। परिभाषा, आइए इसके पहले अर्थ को समझें। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं, ADOLESCENCE। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर ADOLESCERE शब्द से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः स्पष्ट है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था के बाद पदार्पण करता है। जर्सील्ड कहते हैं कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इन इंग्लिश वर्जन, एडोलेसेंस इज द पीरियड थ्रू विच ए ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी। स्टेनली हॉल के शब्दों में किशोरावस्था बड़े दबाव कामा तनाव कामा तूफान और संघर्ष की अवस्था है। इन इंग्लिश वर्जन, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कामा स्टॉर्म एंड स्ट्रिफ। स्टेनली हॉल। बलबीर के शब्दों में किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और पूर्णावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। अकॉर्डिंग बलबीर, एडोलेसेंस इज दैट पॉइंट ऑफ मैंस लाइफ व्हिच बीइंग्स एट द एंड ऑफ चाइल्डहुड एंड इंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। किशोरावस्था की विशेषताएं, इसकी निम्न विशेषताएं हैं। नंबर एक, किशोरावस्था जैविक और सामाजिक स्थिति में संक्रमण काल होता है। नंबर दो, किशोरावस्था तूफान और परेशानी की अवस्था होती है। नंबर तीन, किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था होती है। नंबर चार, किशोरावस्था में बहुत सी समस्याएं होती हैं। नंबर पांच, किशोरावस्था अप्रसन्नता की अवस्था कहलाती है। नंबर छह, किशोरावस्था अधिकतम विकास की अवस्था होती है।
नंबर 7 किशोरावस्था प्रौढ़ जीवन की तैयारी होती है। नंबर 8 किशोरावस्था में त्वरित विकास होता है। नंबर 9 किशोरावस्था में बहिर्मुखी रुचि होती है। किशोरावस्था में बहुमुखी और बहिर्मुखी रुचि होती है। नंबर 10 किशोरावस्था में समायोजन का अभाव होता है। नंबर 11 विषमलिंगी भावना का विकास होता है। नंबर 12 इस काल में कल्पना की प्रबलता और बहुलता होती है। नंबर 13 किशोरावस्था आदर्श निर्माण और वीर पूजा की तीव्र भावना वाली अवस्था है। नंबर 14 किशोरावस्था नैतिकता और धर्म का प्रभाव वाला काल है। नंबर 15 इस अवस्था में स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना होती है। नंबर 16 आत्मनिर्भरता और अहंभाव होता है। नंबर 17 इस काल में विभिन्न साहित्य का अध्ययन होता है। नंबर 18 व्यवसाय की तैयारी की शुरुआत इस काल में होती है। नंबर 19 इस काल में जीवन दर्शन निश्चित होता है। नंबर 20 इस काल में अपचार व अपराध की ओर झुकाव होता है। नंबर 21 इस काल में परमार्थ की भावना का अभ्युदय होता है। ये मैंने आपको कुल 21 पॉइंट बताया किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में। मैंने आपको सेकंड इसी एजुकेशन साइकोलॉजी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के यूनिट सेकंड और थर्ड में मैंने इसकी विशेषताओं पर चर्चा किया है। उस विशेषता का विस्तार आप इस 21 पॉइंट पर मैंने कर दिया है, उसको आप वहां से पढ़ लीजिएगा, इसलिए इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से मैंने किशोरावस्था की विशेषताओं की चर्चा किया। आइए शिक्षा किशोरावस्था की शिक्षा की किशोरावस्था और शिक्षा पर हम चर्चा करते हैं। विकास की तूफानी और तेज अवस्था किशोरावस्था होती है, इसलिए भय होता है कि कहीं किशोर भाग न जाए और प्रायः भय सत्य निकलता है। ऐसी दशा में माता पिता अभिभावक और अध्यापक के मार्गदर्शन की उन्हें सख्त जरूरत पड़ती है। उनकी विशेषताओं के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था करना जरूरी है ताकि उनका विकास किशोरों का विकास अच्छे ढंग से हो सके। इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, किशोरों के शारीरिक स्वास्थ्य पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए और उनका विकास कुंठित न हो, इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, नियमित जीवन होना, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए नियमित जीवन होना चाहिए। आत्मनियंत्रण, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, खेलकूद और अन्य क्रियाओं की व्यवस्था इस किशोरों को दी जानी चाहिए ताकि उनका जीवन नियमित हो। तीसरा, उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए साधनों का प्रयोग, इस काल में भ्रमण, यात्रा, पिकनिक, प्रकृति निरीक्षण अथवा अन्य साधनों का प्रयोग किया जाए जिससे किशोरों को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन और अपनी इच्छा को शांत करने का अवसर मिल सके। नंबर 4, ज्ञानार्जन की व्यवस्था हो, मानसिक विकास के लिए रुचि और योग्यता के आधार पर उचित रूप से विद्यालय में ज्ञानार्जन की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभिन्न मानसिक शक्तियों के विकास के लिए विद्यालय में पाठ्य विषय और पाठ्य विषयांतर क्रियाएं कराए जाने हेतु उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संग्रहालय, उचित मार्गदर्शन, अध्यापन, विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि विषयों का ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए। 5, निर्देशन, ज्ञानात्मक निर्देशन के साथ साथ व्यवसायिक निर्देशन की भी आवश्यकता इस काल में दी जानी आवश्यकता इस काल में पड़ती है। किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था की तैयारी है, इसलिए जीवन में जो कुछ किशोर करेगा उसके लिए सहायता दी जाए, इससे वह समाज का सुयोग्य नागरिक बन सकेगा। 6, यौन शिक्षा की व्यवस्था हो, संवेगात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में
सबसे पहले यौन शिक्षा की व्यवस्था की जाए, काम प्रवृत्ति का शोधन और मार्गांतरीकरण करके किशोर को महान बनाया जा सकता है। अन्य विषयों की शिक्षा के समान ही इसकी भी शिक्षा किशोरों को दी जानी चाहिए। सातवां, अस्थाई भावों का उचित निर्माण। उचित अस्थाई भावों और आदर्शों का निर्माण करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उनकी उलझने, चिंताएं, कुंठा, भय आदि समाप्त हो और उनके अंदर आत्मविश्वास का जागरण हो। इसके लिए महापुरुषों की जीवनियां, अच्छे साहित्य पढ़ने की सुविधा आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्वतंत्र वातावरण। स्वतंत्र और नैतिक वातावरण प्रदान किया जाए। किशोर क्रांतिकारी होता है, इसलिए उसे बांधना कठिन है और इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, परंतु उस पर दृष्टि रखना जरूरी है। उसे उत्तरदायित्व देकर स्वतंत्र ढंग से काम करने दिया जाए। नैतिक पर्यावरण होने से वह सदैव उचित मार्ग की ओर झुकेगा और अपने उत्तरदायित्वों का वह निर्वहन करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहिए। अगला नवा पॉइंट है मानवीय शिक्षा की अवस्था, मानवीय शिक्षा की व्यवस्था। बच्चों को यानी किशोरों को मानवता की शिक्षा दी जाए। विद्यालय का कर्तव्य है कि वे अच्छे विचारकों, कार्यकर्ताओं, पुरुषों को आदर्श मान करके किशोरों के सम्मुख प्रस्तुत करें, जिससे किशोरों में मानवीय शिक्षा का विकास हो। दसवां पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके किशोरों को यानी उनकी विचार, भावना, दृष्टिकोण, बुद्धि, संवेग, क्रियाशीलता, रुचि आदि को ध्यान में रख करके शिक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए। ग्यारहवां पॉइंट है संवेगों का शोधन। संवेगों और मूल प्रवृत्ति के शोधन की शिक्षा दी जाए। विद्यालय तथा समाज की क्रियाओं द्वारा यह संभव है। साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान एवं क्राफ्ट के विषय, स्काउटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के द्वारा संवेगों का शोधन कराया जाना चाहिए। लक्ष्य का ज्ञान, जीवन के उत्तम लक्ष्यों का ज्ञान किशोरों को दिया जाए, जिससे आगे चलकर वह निराश न हो और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस प्रकार का ज्ञान उनको दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है व्यवसाय की ओर आकृष्ट करना। जीवन के व्यवसाय की ओर भी किशोरों को आकृष्ट करना चाहिए। इसके लिए उन्हें व्यवसायिक निर्देशन दिए जाने की व्यवस्था की जाए। कोठारी आयोग ने इंटर कक्षाओं तक कार्य अनुभव की संस्कृति इसलिए दी है, इसलिए व्यवसाय की ओर भी बालकों की योग्यताओं के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार बालकों को व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करने की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।